प्रिय छात्रों, अक्सर केशव दास पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि केशव दास के काव्य को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है अथवा केशव दास को हृदयहीन कवि क्यों कहा जाता है। तो हम इस समस्या का निराकरण करते हैं। केशव की कविता में पांडित्य का प्राधान्य है, इसलिए उनमें प्राय सहृदयता के स्थान पर बौद्धिकता और भावुकता के स्थान पर हृदयहीनता के दर्शन होते हैं और सरसता एवं सरलता के स्थान पर निरसता एवं क्लिष्टता पाई जाती है। केशव के इस पांडित्य प्रदर्शन को देखकर ही किसी आलोचक ने उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा। किसी ने कवि को देन ने चाही विदाई, पूछो केशव की कविताई, ऐसा कहकर उनके काव्य में जो क्लिष्टता है उनकी ओर संकेत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो यहाँ तक कहना है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए थी। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि उनके काव्य में जो कठिनाई है वह क्या वास्तव में है अथवा नहीं, इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो उनमें पहला बिंदु है पांडित्य प्रदर्शन की अतिशयता। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि इसलिए कहा जाता है कि वे काव्य रचना करते समय उक्ति वैचित्र अलंकारों के चमत्कार प्रदर्शन में उलझे रहे, उन पर आचार्यत्व इतना हावी रहा कि वो जो काव्य की जो सरसता है उसका उन्होंने उल्लंघन किया। शास्त्रीय लक्षणों के अधिक से उन्होंने ऐसी शैली अपनाई जिसमें अत्यंत संक्षिप्त भाषा, भारी वर्कम शब्दावली और बाघ विदग्धता का पुट अधिक रहा। अर्थ ग्रहण की बाधा का उन्होंने किंचित मात्र भी ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार की प्रवृत्ति होने से उनका जो काव्य है वह कठिन हो गया है, इसलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। आचार्य श्याम सुंदर दास ने उनके बारे में लिखा है कि श्रृंगार के वर्णन में ही पांडित्य प्रदर्शन की रुचि, चमत्कार विधान की प्रेरणा तथा श्रृंगार के नंगे दृश्यों को अंकित करने में आनंद की भावना ने केशव को काव्योचित कल्पना, संयम और धार्मिकता से काम नहीं लेने दिया। तो उक्त कथन के आधार पर स्पष्ट पता चलता है कि केशव की कविता पर जो क्लिष्टता, हृदयहीनता एवं नीरसता से के लांछन लगाए गए हैं उनका मुख्य कारण उनकी पांडित्य प्रदर्शन की रुचि तथा चमत्कार प्रदान की अधिकता थी। अब दूसरा जो बिंदु है वह अलंकार वैचित्र की अधिकता। केशव की कविता बनी में शिलेश और यमक ऐसे झाड़ जाकर अलंकारों का उन्होंने प्रयोग किया है कि उन्हें देखकर अच्छे अच्छे विद्वानों के हौसले पस्त हो जाते हैं। केशव में अलंकार प्रियता का होना कोई बुरी बात नहीं थी, परंतु उन अलंकारों को अधिक अपनाया जिनमें शब्दों के खिलवाड़ का प्रावधान होता है, जो हृदय की अपेक्षा बुद्धि को खुरच खुरच कर अधिक लिखे जाते हैं, जिनमें कृत्रिमता एवं आडंबर की बहुलता होती है। इनमें जैसे कि शिलेश, विरोधाभास, परिसंका आदि ऐसे अलंकार हैं जिनके कारण केशव का काव्य कठिन हो गया है। उन स्थलों पर केशव की हृदयहीनता ही दिखलाई देती है। जैसे उदाहरण के लिए भोहे सुर चाप चारु प्रमुद पयोदर, केशव ने अपने पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए कालिका एवं वर्षा से संबंधित ऐसे पद लिखे हैं जो लक्ष्यहीन है तथा जिनको तोड़ मरोड़ कर ही कालिका तथा वर्षा के पक्ष में अर्थ लगाया जा सकता है। इसके लिए अच्छे अच्छे विद्वानों को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। अगली जो है वो है कोरा शब्द साम्य। कोरे शब्द साम्य के कारण भी इनका जो काव्य है वह कठिन हो गया है, जिसमें मुख्य है शिलेशात्मक। केशव की क्लिष्टता का दूसरा कारण यह है कि केशव ने कोरे शब्द साम्य को आधार बनाकर शिलेशात्मक कविताएँ की है, जिसमें शाब्दिक खिलवाड़ मात्र के अतिरिक्त कहीं भी भावुकता एवं सरसता के दर्शन नहीं होते हैं। पांडवों की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामति देखो,
यहाँ पर केशव ने न तो रूप श्याम को अपने कथन का आधार बनाया है, न गुण श्याम है, न क्रिया श्याम के आधार पर ही यह उक्ति लिखी है। अपितु कोरे शब्द श्याम को अपनाकर दंडक वनी को पांडवों की प्रतिमा के समान बतलाया है, क्योंकि पांडवों में जैसे भीम और अर्जुन थे, वैसे ही दंडक वन में भी कुमकुम और अम्लेमर के पेड़ विद्वान थे। अतएव इन श्लेषात्मक अलंकार योजना से कोरा शब्द श्याम ही क्लिष्टता का कारण बन गया है। तो इस कारण उनका जो काव्य है बहुत ही क्लिष्ट हो गया है, कठिन हो गया है, इसलिए अनेक विद्वानों ने उनके ऊपर ये आक्षेप लगाया कि उन्हें तो कभी हृदय प्राप्त ही नहीं हुआ था। अगला जो क्लिष्टता का कारण है वह है विरोधाभास की क्लिष्टता। केशव कहीं कहीं विरोधाभास के चक्कर में पड़कर अपने काव्य की सरसता एवं सरलता खो बैठे हैं और उनके काव्य में क्लिष्टता और दुरहता आ गई है। उदाहरण के लिए गोदावरी का वर्णन ही लिया जा सकता है। गोदावरी का वर्णन वो इस प्रकार विरोधाभास रूप में करते हैं कि कुछ साधारण जो पाठक है उनकी समस्या भार है, जिसमें यह गोदावरी अमृतन को फल देती, केशव जीवन हार के दुख अशेष हर लेती। कहकर केशव ने गोदावरी को विस्मय कहकर भी अमृतन का फल देने वाली कहा है। इसमें विष शब्द का अर्थ विष ना होकर जल लिया गया है, परंतु इस अर्थ तक पहुंचना बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि विस्मय शब्द जानकर जो साधारण पाठक है उसका अर्थ वो जहर के रूप में ले लेते हैं। तो इस प्रकार इनके काव्य में जो विरोधाभास पूर्ण जो भाषा है इसके कारण उनका काव्य कठिनता की ओर बढ़ गया है। क्लिष्ट कल्पना। केशव की रामचंद्रिका में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो क्लिष्ट कल्पना पर आधारित है, जिनमें न केवल काव्यगत सहज सरलता को नष्ट किया गया अपितु हृदयहीनता को भी जन्म दिया है। उदाहरण के लिए सरस्वती वंदना के प्रसंग में केशव की ये पंक्ति देखी जा सकती है, जैसे कि मैंने तुम्हें पढ़ाया भी था सरस्वती वंदना। पति वर्णय चार मुख, पूत वर्णय पांच मुख, नाते वर्णय षट मुख, तदपि नई नई है। इस पद में सरस्वती के पति ब्रह्मा और पुत्र शिव बतलाए गए हैं, जबकि ये मान्यताएँ अप्रचलित है और पौराणिक आस्था के विपरीत भी, क्योंकि ब्रह्मा को शिव का पिता किसी भी पुराण में नहीं बतलाया गया है। यह क्लिष्ट कल्पना केशव के कवित्व पर दोष ही है। इसी प्रकार के अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं जो केशव दास की क्लिष्टता की ओर संकेत करते हैं। आचार्य केशव उस क्लिष्ट कल्पना को देखो जिसमें प्रातःकालीन बाल सूर्य को कपाल का खून से भरा हुआ खप्पर बताया जो अनुपम सौंदर्य से युक्त होता है। इस कल्पना को देखकर तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ही उन्हें कभी हृदय नहीं मिला था और यह उनका दुर्भाग्य ही रहा होगा। जैसे कि क्या कल्पना की है उन्होंने, उसका हम उल्लेख करते हैं। के श्रोणित कलित कपोल है किल कपालन काल को। इसी प्रकार हृदयहीन कवि केशव को सूर्य लाल मुक्का बंदर भी जान पड़ता है। चंडो गगन तरुधाई दिन कर वानर मुख, कीनो झुकी जहराई सकल तार का कुसुम बेन। कहकर केशव ने सूर्य को पूर्णतः बंदर की सी चेष्टा करते हुए अंकित तो किया है, जो बिल्कुल अनुचित है और हमारी काव्य सरसता के प्रतिकूल भी। तत्सम शब्दों का बाहुल्य। केशव के काव्य में तत्सम शब्दों का तथा कुछ नए गढ़े शब्दों का अधिक है, जो उनके पांडित्य प्रदर्शन और आचार्यत्व का सूचक है। और तत्सम शब्दों का प्रयोग कोई बुरी बात नहीं है, परंतु सीमा से अधिक तत्समों की बहुलता केशव की हृदयहीनता को ही सूचित करती है। इनमें कुछ शब्द इतने क्लिष्ट भी है कि अर्थ संगति आसानी से नहीं हो पाती है। विद्वानों द्वारा लगाए गए उपयुक्त आरोपों में सत्यता का अंश भी है, क्योंकि उन्होंने चाहे हर्ष का प्रसंग हो या विषाद के समय का, किंतु वे अपना पांडित बताना नहीं भूले। जैसे श्री राम लक्ष्मण और सीता के प्रति वन मार्ग में
आने वाले स्त्री पुरुषों की सहानुभूति दिखाना भूलकर संदेह अलंकार की छटा दिखाने में लीन हो गए थे। संपूर्ण रामचंद्रिका इसी प्रकार के वर्णनों की अधिकता है। इससे यह ज्ञात होता है कि केशव में कभी हृदय की कमी थी। इसी प्रकार उनके काव्य को कठिन काव्य की रचना बताने वाला एक अन्य दोहा भी है, जिसमें वो कहते हैं, देखो, खंड परशु को सो विजयी सभा मध्य को दंड मानव शेष अशेष धर धरन हार वरी बन। इसमें शिव के लिए खंड परशु नाम प्रयुक्त हुआ है, जो उनके सभी नामों ने सबसे कम प्रचलित है। शेष अशेष धर में विरोधाभास और यमक अलंकार है, और इनके अतिरिक्त श्री राम को उल्लू की उपमा देकर तो उन्होंने कभी कर्म का दिवाला ही निकाल दिया है। इस प्रकार उनके काव्य को कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कहा गया। इन प्रसंगों के कारण ही उन पर यह आरोप लगाया था। अब हम केशव सहृदय कवि के रूप में क्या केशव सहृदय कवि के रूप में कैसे थे, उनकी क्या भावनाएं थी, उनका भी थोड़ा उल्लेख करते हैं। केशवदास कृत रामचंद्रिका में चाहे ऐसे स्थलों की संख्या कमी ही क्यों न हो, किंतु कवि ने ऐसे प्रसंगों में पूर्ण भावुकता का परिचय दिया है। उदाहरण के लिए दशरथ के द्वारा राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजना, राम सीता की विरह व्यथा, लक्ष्मण का शक्ति बाण से घायल होना, भरत के कई संवाद, अंगद रावण संवाद, हनुमान रावण संवाद आदि जितने केशव ने कौशल भावों की अनुभूति व्यक्त की है, ऐसे स्थलों में अलंकारों का जाल बिछाने से झांकती हुई भावुकता भी झलक मिल जाती है। सीता की खोज के बाद हनुमान जी ने भी राम के समीप आकर सीता का परिचय बड़ा ही मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। पियो पियो रटते रहते चित्त चाल की जो चंद चंद चित्ते चके जो रहती है, सूदन रब राम भिर बिहारे ऐसी तुरति ने सीता की मूर्ति गहती है। वास्तवता तो यह है कि केशव के काव्य समझने के लिए पांडित एवं बौद्धिक व्यायाम की आवश्यकता है, जिसमें ऐसी क्षमता नहीं है। ऐसी बाल बुद्धि के लोग ही केशव की कठिनता पर दोष लगाते हैं, जबकि यह उनकी शैलीगत विशिष्टता है। यह विशिष्टता उनके काव्य में भिन्न भिन्न प्रसंगों में देखी जा सकती है। जैसे बिन नगरी बिन नागरी प्रतिपद हंसकहीन डाल जहर सोवित न जय प्रकट वयोदर मीन। इस छोटे से दोहे में श्लेष और यमक अलंकार का सुंदर चित्रण हुआ है। इस दोहे में प्रत्येक शब्द इस प्रकार समन्वित है कि उनके स्वरूप और गठन के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ भी नहीं किया है, और सहृदयता की भी कमी नहीं है। अतः इस दोहे में कवि की प्रतिभा अपने चरम रूप प्रदर्शित करती है। इसलिए उनका काव्य रसास्वादन करने के लिए परिपक्व बुद्धि की आवश्यकता है। इस संबंध में डॉक्टर गोपाल सिंह चौहान ने कहा है, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने युग के साथ विद्रोह नहीं किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भी इसी प्रकार के स्वर में स्वर मिलाते हुए उनकी प्रशंसा की। अतः हम कह सकते हैं कि केशव आचार्य पहले थे और कवि बाद में। उनके पांडित प्रदर्शन की उन्हें हर जगह चमत्कार प्रदर्शन के लिए बाध्य कर दिया था। राम कथा में अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर देने, स्वाभिमानी और निरंकुश कवि होने और दरबारी कवि होने के कारण ही हृदय की सरसता का दास हो जाना और संस्कृत निज भाषा को अपनाया, जबकि वास्तवता यह थी कि उनके पास कवि हृदय भी था और उनका जो काव्य वह सरस भी था, वह पूर्णतः नीरस नहीं था। धन्यवाद।